हेलो एवरीवन, मैं हूँ संदन कट और आप देख रहे हैं मेरे स्टेटस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, दुआ में याद रखना गाना रिलीज हो चुका है और इसमें जो शायरी है बहुत ही कमाल की है। तेरी यादों के सहारे जी रहा हूँ क्योंकि तू ही है आशिकी, तू ही है बंदगी। कभी सोचा ही नहीं था जीनी भी पड़ेगी तेरे बिना जिंदगी। बहुत ही प्यारी खूबसूरत लाइन है जो शायरी की है। मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि हर गाने में जो है एक शायरी मिल रही है हमें, मेरी श्री की ब्यूटीफुल लाइन है। उसके बाद जो शुरुआत होती है गाने की बहुत ही अच्छा है। तुम थे हमारे अब गैर हो गए, सारे जज्बात जुबैर हो गए। गाने की शुरुआत जो होती है धीरे धीरे हल्का सा पियानो बजता रहता है और एच आर जी की शायरी आती है। लेकिन मानना यह है कि अगर जो कंपोजिशन हुई है गाने की, म्यूजिक की बात करें, म्यूजिक अच्छा है नो डाउट, बट जो म्यूजिक की फील है और इसकी गाने की कंपोजिशन है वो कहीं ना कहीं सलमान अली के गाना है जो आशिकी का गम, उससे मैच खा रही ये कहा जा रहा है। लेकिन जो स्टार्टिंग इसकी शुरुआत होती है वो धीरे धीरे एक पियानो से होती है और एच आर जी की शायरी चलती है, और जो आशिकी का गम है वो ऑलरेडी गिटार के साथ साथ शायरी चलती है, तो ये फ़र्क है। लेकिन जब ये बोलते हैं कि आशिकी का गम, और ये जब ये कहते तुम थे हमारे अब गैर हो गए, आशिकी का गम हम पिए जा रहे, तेरा नाम लेकर हम जिए जा रहे। ये जो फील है ना, ये बिल्कुल मिक्स हो जाती है और सेट हो जाती है। ये कॉम्पोजिशन जो है गाने की, ये दोनों सेट हो गई है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये दोनों सेम सेम हो गए, जल्दबाजी में गाना बना है। आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइए। लेकिन एक और बात है, आदित्य नारायण की आवाज़ बहुत ही अच्छी लग रही है, बट जो है गाने में फील नहीं पकड़ पा रहे हैं आदित्य जी। थोड़ा फील और पकड़ लेते, क्योंकि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो काम चल रहा है उसमें, एक बॉयफ्रेंड होता है, एक गर्लफ्रेंड होती है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है बॉयफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड वाली जो तड़प है उस आवाज़ में नहीं दिख रही है। बाकी वोकल क्वालिटी तो अच्छी है आदित्य नारायण की, बट वो दिख नहीं रही उसमें। आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताएं, पर गाना जो है बहुत जल्दबाजी में बना रहा है, थोड़ा टाइम ले लेना चाहिए था। क्योंकि जब वो एक पहले आया था स्वागत के साथ सांसे, और उस सांसे को ट्रिब्यूट कर दिया गया था एक नेशनल उसके लिए, हमारे देश के लिए, वो भी जल्दबाजी में हो गया था, उसमें भी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इसलिए वो रिलीज़ भी नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ एमपी3 में रह गया था, वो रिलीज ही नहीं किया वीडियो। तो इसमें आदित्य नारायण वाले में जो तबला बजता है शायरी ख़त्म होने के बाद ही, टकन तिनक तिन, वो तबला अच्छा बजता है इसमें। उसमें गिटार की शुरुआत अच्छी होती है, पर ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन कर दिया है जल्दबाजी में कि सेम सेम हो गई, या ये भी कह सकते हैं कि ये जो शुरू की लाइनें हैं वो दोनों सेम सेम हो गई कॉम्पोजिशन में। ऐसा हो जाता है जब गाने को सेट करते हैं, बट वैसे भी अच्छा लग रहा है, चेंजेस है, सलमान अली ने आदाब ले रखे है। इसमें भी है एक बहुत ही बेहतरीन है छोटा सा, जो अंतरे से पहले आती है लाइन, बहुत ही खूबसूरत है। जाऊंगा एक बार आप देखें, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस ले भी दे रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जितनी मेरी नॉलेज है म्यूज़िक के बारे में या फिर फील करने के लिए, जो भी मेरी नॉलेज है मैं अपनी नॉलेज दे रहा हूँ। मैं इस गाने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि कितना मैच है, कॉपी है या कुछ चेंजेस है, क्योंकि मुझे अच्छा भी लग रहा है पर फील नहीं आ रही गाने में। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रखा है, नहीं, हटके भी है थोड़ा। आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, आपको कितना अच्छा लगा, कितना मजा लगा। और मैं नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा है या बहुत बेकार है, मैं इसका गाने का लिंक जब नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप खुद मुझे बताइए करके, कमेंट करके, कि ये कितना बढ़िया है और कितना बेकार है। क्योंकि मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मुझे नॉलेज है बताने की या म्यूज़िक को समझने की, मैं वो बता रहा हूँ। आपको क्या है वो आप मुझे खुद नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल, फिर जय माता दी, लेट्स गो।